भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मन की बात पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन, तेजिंदर तिवाना द्वारा आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण लोगों में किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना के द्वारा मुंबई स्थित मलाड पश्चिम में मन की बात कार्यक्रम के आयोजन किया गया, जहां पीएम मोदी द्वारा मन की बात को बड़ी संख्या में मौजूद लोगों के समक्ष रखा गया। इस मन की बात में पीएम मोदी ने अहम मुद्दे पर चर्चा करते हुए लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक होने की बात कही। पंजाब के एक दूर कोने में बसे परिवार से चर्चा की, जिसके बाद तेजिंदर सिंह तिवाना ने मौजूद लोगों में आयुष्मान भारत योजना कार्ड और ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना कार्ड का वितरण किया। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे भाजपा सांसद उत्तर मुंबई गोपाल शेट्टी, भाजपा मुंबई प्रदेश महासचिव संजय उपाध्याय, भाजपा मुंबई प्रदेश उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी, जिनका स्वागत तेजिंदर सिंह तिवाना और युवा मोर्चा के पदाधिकारी ने साल और फूल गुच्छ देकर किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था कार्यक्रम के आयोजक और अतिथियों का? देखिए, हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुंबई के अध्यक्ष श्री तेजिंदर सिंह तिवाना जी द्वारा मन की बात का यहाँ पर आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। निश्चित रूप से मन की बात के द्वारा हम सभी लोगों के लिए जीवन में सीखने की भी चीज़ें मिलती हैं और पूरे देश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है, क्योंकि जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जिसके पास जानकारियाँ हों। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात के द्वारा एक अच्छा अभियान यह चलता है और यहाँ पर एक सुंदर आयोजन तेजिंदर तिवाना जी ने किया। आयुष्मान भारत योजना का कार्ड वितरण करने का कार्य जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सबका प्रयास का जो अभियान है कि अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, तो वह मलाड विधानसभा में तेजिंदर तिवाना जी पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मैं उनका और उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ। जिस तरह से गांधी जी की सदस्यता रद्द कर दी गई है और उसके बाद उनका ये कहना है कि गांधी कभी माफी नहीं मांगते, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता कोर्ट ने रद्द की है और राहुल गांधी लगातार ओबीसी समाज और दलितों का लगातार अपमान करते रहे हैं, तो दलितों का और ओबीसी समाज का अपमान यह देश सहन नहीं करेगा और जैसे को तैसा फल प्राप्त होगा। देखिए, मन की बात में पूरा मलाड इसके कार्यक्रम में सुनकर आ रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी ने ऑर्गन डोनेशन के बारे में बहुत विस्तृत में बातें कही, सामान्य लोगों से भी उन्होंने बातें कही और किस तरह से जब कुछ साल के पहले 5,000 लोगों ने ऑर्गन डोनेशन किया था तो आज 3 गुना ज़्यादा हो गया, 15,000 की ये संख्या हुई है और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी। और निश्चित ये मलाड वेस्ट में जहाँ पर जया बहन तिवाना नगर सेविका के रूप में काम करती है, तेजिंदर तिवाना बहुत ही एक्टिव होकर काम यहाँ पर करते हैं। आज कम से कम 2,000 लोगों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया जाएगा और बहुत सारे बड़े बड़े रचनात्मक काम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। निश्चित मुझे जो संसद रत्न अवार्ड दिल्ली में मिला उसमें इन कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैं लगातार सुबह से लेकर रात तक घूमते रहता हूँ, तो घूमते रहता तो कहाँ घूमता हूँ, जगह जगह पर पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, वहाँ पर घूमते रहता हूँ और देखते देखते एक बहुत बड़ा काम उत्तर मुंबई में खड़ा हो गया। हम सबके लिए गौरव की बात है कि 25 नगर सेवक है, 4 चुनकर आए हुए विधायक, 2 विधान परिषद के विधायक, 6 विधायक है और सांसद के नाते मैं हूँ और इतने बड़े पैमाने पर जब लोग काम करते थे, काम का बड़ा अंबार उत्तर मुंबई में खड़ा हुआ है। जिस तरह से आपने अभी घर की बात की, वही राहुल गांधी बोल रहे थे कि मेरे पास अभी तक घर नहीं है, तो क्या उन्हें भी कोई घर देने की योजना होगी? निश्चित उन्होंने अपने पैसे से खरीदा हुआ घर नहीं है, जो भी घर है उनके पास वो सरकार और जनता के पैसे का है और उनको कभी घर लेने की आवश्यकता पड़ी नहीं, क्योंकि 60-65 साल से ये परिवार के लोगों ने ही राज किया और जब उनका राज नहीं भी होता था तो वो घर में से किसी ने उनको बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया। अब मोदी जी ने पहले दिन से ही कहा है कि करप्शन के बारे में जीरो टॉलरेंस बिल्कुल बर्दाश्त की नहीं जाएगी, गलत घोटाले घफले ये बिल्कुल नहीं चलेगा और ये अब रफ्तार में तेज़ी से काम कोर्ट के माध्यम से हो रहा है, उसका असर उनको उन पर हुआ है। ये जो कार्रवाई उनके पर हुई है ये उनके बचपनापन उनके नादानी के वजह से हुआ है। इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी जो कोर्ट में जिस तरह से उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए थी वो लड़ा नहीं उन्होंने,
इसलिए जो भी ये कार्रवाई हुई है ये कोर्ट के माध्यम से हुआ है, सरकार के माध्यम से कोई कार्रवाई हुआ नहीं है। ये जो गलत फहमी पूरे देश भर में फैला रहे, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। इसके पहले भी सरकारी योजनाएं बनती थी लेकिन वो कागजों तक सीमित रहती थी। मोदी जी ने यह योजना जन जन तक पहुंचे, जो उसका असली हकदार है उस तक योजना पहुंचे, इसका प्रयास किया, डिजिटल क्रांति लाई और कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित किया कि वह योजनाओं का लाभ योग्य व्यक्ति तक पहुंचाए। उसी दिशा में आज का यह शिविर है। आप देख रहे 1500 से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान भारत महात्मा फुले का कार्ड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। नहीं, वो मोदी जी को तानाशाह कर रहे हैं। अगर तानाशाह होते तो कोर्ट में केस नहीं चलता, कोर्ट में फैसला आने के बाद बेल नहीं होता। बेल होने के बाद जिस प्रकार से वो मोदी जी को गालियां दे रहे हैं उस प्रकार की गालियां नहीं दे सकते। तानाशाह सीधा हिसाब कर देता है और उसके लिए ये जो आरोप है कि लोकतंत्र खतरे में है, मेरा आरोप है लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र तो सुरक्षित है। एक परिवार खतरे में है, वंशवाद खतरे में है, गांधी परिवार खतरे में है, कांग्रेस पार्टी खतरे में। हमारा इच्छा थी कि हमारा आज का प्रोग्राम, हमने बहुत दिन से उसको कम से कम 2000 के ऊपर कार्ड बना करके रख सकते थे, लेकिन हमारी इच्छा थी कि बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाए और पब्लिक को एक अच्छा संदेश है। तो हमने ये आज का दिन तेजिंदर ने और हमने और डिसाइड करके आज का दिन ये डिसाइड किया था कि मन की बात भी हो जाए और ये आयुष्मान और जो ज्योतिबा फुले है वो भी कार्ड लोगों को मिले तो लोग शांति से सुने। लोगों को मौका नहीं मिलता है सुनने के लिए। एक्चुअली मैंने देखा है कि लोगों को ध्यान अभी तक पूरी तरह से बातें सुनने में ये नहीं, विचलित रहते लोग। कई लोगों को देखा मैंने, घर में जाने की टेंशन रहता है, घर में संडे है, घर में बच्चे पीछे से है, हमको जल्दी मिलेगा तो हम भाग जाएंगे, विचलित मन रहते हैं। मतलब गरीबी सबसे बड़ा इसका पीछे का जो ये है ना समीकरण, गरीबी है कि लोग काम करने वर्कर लोग रहते, महिला हो पुरुष हो, तो उनको संडे ही दिन मिलता है बच्चे के साथ में गुजारने के लिए। क्या आज जो सेठानी लोग रहते वो छुट्टी भी नहीं देते, मोस्टली संडे का काम प्रोग्राम रखना था, 3 टाइम संडे को हमको मिला भी नहीं, इसलिए हमने आज का दिन ये दोनों प्रोग्राम के लिए सुनिश्चित कर दिया और अच्छा रिस्पांस मिला। हमें बड़ी खुशी है मुझे कि हमने 10,000 के आंकड़ा पार करेंगे। अभी तो मेरा 20 दिन थोड़ा पाउट से गए हुए, तो मैं अभी 2-4-5 दिन के बाद मैं लग जाऊँगी वापस और 20,000 इतना लोगों तक ये पहुँचाने के मेरा विचार, मेरा और तेजिंदर का विचार है और वो पूरा और मन की बात भी लोग सुने। देखिए, ये हम सभी का दायित्व है, भारत देश के प्रत्येक रहवासी का, कि ये अपने भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई पंतप्रधान उन लोगों के संपर्क करने के लिए, आखिरी वर्ग के लोगों तक, समाज के संपर्क करने के लिए मन की बात करते हैं और मन की बात के माध्यम से विविध विषय देश भर के, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे युवाओं के बारे में हो, चाहे वरिष्ठ नागरिकों के बारे में हो, या समाज के कोई भी वर्ग के बारे में हो, तो ऐसे विषय आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ये देश के प्रत्येक नागरिकों के बीच में लेकर जाते हैं। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उसे अच्छे तरीके से सुने। तो हर रविवार को जब भी मन की बात होती है तब हम सब युवा मिलकर कहीं ना कहीं, कहीं चाय के टपरी पे, कहीं नाके पे, कहीं नुक्कड़ पे, कहीं किसी दोस्त के घर पे, इस तरीके से हम सुनते हैं। लेकिन इस बार हमने आज नागरिकों के बीच में कम से कम 500 से 600 ऐसे स्थानिक नागरिकों के बीच में बैठकर मन की बात सुनी, उसका हमें बहुत अभिमान है और गर्व है। और आदरणीय मोदी जी ने बहुत ही अच्छे विषय रखे, उसका हमें बहुत गर्व है। आयुष्मान कार्ड और महात्मा फुले किस तरह, कितने कार्ड है, कितने घरों तक पहुंचने की आपकी कोशिश और यहां से कितने कार्ड वितरित किए गए आज? मुझे खुशी होती है बताते हुए कि मलाड़ में पिछले 10 दिनों के अंदर ये युवा कार्यकर्ताओं ने मिलकर 2700 ऐसे लाभार्थी मलाड़ विधानसभा से बनाए हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड बांटना हो, चाहे वो ज्योतिबा फुले कार्ड बांटना हो, ये दोनों योजनाओं के माध्यम से हमने 2700 लाभार्थी ये मलाड़ विधानसभा में आम जनता को बनाया। इसका लाभ लोगों को 1.5 लाख ऐसे इंश्योरेंस के माध्यम से प्रत्येक घर को ऐसा लाभ होगा, ये हमने सुनिश्चित किया। तो आगे और कितने घर तक पहुंचने की कोशिश है और भी तेजिंदर जी की? हमारा टारगेट है कि मडा आइलैंड से लेके मलाड स्टेशन तक, जो मलाड का एरिया है, ऐसे मलाड के कम से कम 1 लाख घरों तक हम पहुंचे और 1 लाख घरों तक सिर्फ आयुष्मान भारत और ज्योतिबा फुले कार्ड नहीं, लेकिन मोदी जी के ऐसे 150 योजनाएं हैं
उसमें से जो जो योजना मुंबई करों को लागू होती है, ऐसी योजना हम लोगों के बीच में लेके जाए, यही उद्देश्य हम काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम एक मोबाइल वैन के माध्यम से मडाईलैंड से मलाड तक ऐसी योजनाओं का एक वैन बना के अपने कार्यकर्ता रखकर लोगों के घरों तक पहुंचेंगे, लोगों के गलियों तक पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं लोगों को सीधा सेंटर से लोगों को डायरेक्ट लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने का हमसे युवा मिलकर करेंगे। आप एक युवा है और जिस तरह से राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया था उसके बाद जो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है और जिसका आरोप कांग्रेस सीधा सीधा केंद्र पे लगा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी कोई पहले व्यक्ति नहीं जिसकी सदस्यता रद्द हुई है, ऐसे वो 11वें व्यक्ति है। जब देखने जाएंगे तो लालू प्रसाद जी के समय से शुरुआत हुई थी। ये स्वयं राहुल जी की खुद की गलती है कि उन्होंने जो एक भड़काऊ और किसी भी समाज को एक टारगेट करता हुआ जो वक्तव्य क्या है, वो उनकी स्वयं की गलती से उन्होंने अपना नुकसान भुगता है। और भारत को जोड़ने चले थे ऐसा वो सब जगह पे एक मैसेज दे रहे थे, लेकिन मुझे लगता है युवा के नाते ये भारत जोड़ो वाला स्टेटमेंट नहीं था, उनका भारत तोड़ो वाला स्टेटमेंट था और वो स्टेटमेंट उनको स्वयं को भारी पड़ा है। ये उनकी खुद की गलती से, उनके स्वयं की गलती से वो आज सांसद पद पर नहीं है।